कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। ख्वाजा साजिद की यह शायरी कल से दिमाग में चल रहा है। कल रामविलास पासवान की बरसी पर ऐसा लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार खुद नहीं पहुंचते हैं फिर भी उनकी तरफ से जदयू के किसी बड़े नेता को भेजा जाएगा, लेकिन सियासत इस कदर हावी है कि नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी का कोई अन्य बड़ा नेता वहां नहीं पहुंचा। राजनीतिक रूप से इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन राजनीति से दूर शायद रिश्तों के मायने को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और यहां किसी राजनीतिक चर्चा के लिए मंच नहीं बना था, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और साथ में मिलकर राजनीति करने वाले रामविलास पासवान की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, लेकिन जदयू की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। हमें आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह बयान याद आ रहा है जिसमें चुनाव के ठीक पहले जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने कहा था कि हमारा और उनका संबंध आत्मीय था। नीतीश कुमार ने कहा था कि रामविलास पासवान के साथ उनका रिश्ता बेहद पुराना है और आज इसी आत्मीय संबंध और बेहद पुराने रिश्ते की तरफ देखना तक नीतीश कुमार ने उचित नहीं समझा। हो सकता है कि आज राज्य में कोई चुनाव नहीं होना है, लेकिन अगर हाल फिलहाल चुनाव होना होता तो नीतीश कुमार को रामविलास पासवान जरूर याद आते। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कल जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तब उसमें शिरकत करने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई अन्य दिग्गज शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण कि जिस चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच आज के दौर में विरासत की जंग चल रही है, वे खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के साथ कार्यक्रम में उनके करीबी कई अन्य लोग भी शामिल हुए। राज्य के राज्यपाल से लेकर अलग अलग पार्टियों के सांसद विधायक समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन जदयू की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा शामिल नहीं हुआ। रामविलास पासवान के बारे में चर्चा इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने राज्य के लगभग हर एक बड़े नेता के साथ काम किया है और उनके रिश्ते उन सारे लोगों से काफी घनिष्ठता वाले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए चिराग पासवान के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से रामविलास पासवान को सिर्फ एक लाइन में याद किया गया। और इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव ने भी किया है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद हमें लगता है कि यहाँ राजनीतिक गणित से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत थी। नीतीश कुमार पर आरोप लगा कि पशुपति पारस को उन्होंने ही तोड़ा है और पशुपति पारस कल इस कार्यक्रम में शामिल होने आ गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से रामविलास पासवान के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। अब बात कर लेते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अगर हाल फिलहाल चुनाव होता तब हमें ऐसा लगता है कि जदयू की तरफ से निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का भी फैसला लिया जाता और नीतीश कुमार भी रामविलास पासवान के बारे में कुछ अच्छा बोलते, लेकिन हाल फिलहाल राज्य में कोई चुनाव नहीं है और नीतीश कुमार को लगता है कि इस बार जदयू का जो हश्र हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान के कारण हुआ है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के वक्त से ही भारतीय जनता पार्टी के सामने चिराग पासवान का विरोध कर रहे थे, तो फिर उन्हें अब चिराग पासवान के साथ नरम रुख दिखाना उचित नहीं लगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रामविलास पासवान ने उनके साथ राजनीति की है और उन्हें शिष्टाचार दिखाना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक लंबा पत्र लिखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक लाइन में श्रद्धांजलि दी है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं और अगर वो दो मिनट के लिए आते तो अच्छा लगता। नीतीश कुमार को शायद इस समय इस बात का अंदाजा ना हो कि राजनीति में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस बात की गूंज चुनाव के वक्त जरूर सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सब कुछ साफ है कि वो रामविलास पासवान के प्रति सम्मान रखती है और भाजपा को लोजपा से कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अब एकदम साफ कर दिया गया है
क्योंकि चिराग पासवान से किसी भी कीमत पर रिश्ता नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल ना होकर भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के निशाने पर है। कुल मिलाकर कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती है और शायद कल रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होकर नीतीश कुमार यह संदेश दे सकते थे। फिलहाल आगे आने वाली राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा यह देखने वाला होगा और इसी बात पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आगे आने वाली राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य के समीकरण किस प्रकार से बदलते हैं या बनते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।